जो टीम है रश्मि स्पोर्टिंग, आप अपने खिलाड़ी को लेकर ठीक 15 मिनट के पश्चात हमारे मैदान के बीच बीच चले आए। जी हाँ, आज सभी जानते हैं कि आज समापन मेला है और इसी तरह से हमारे मंच पर अतिथि गणों का अग्रसर हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी भी हमारे मंच पर जो विराजमान हुए हैं और अग्रसर हुए हैं, सरकला भाग से जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जयदेव महतो जी और इसके साथ में सिटी पंचायत समिति सदस्य जयप्रकाश महतो जी हमारे मंच पर विराजमान हुए हैं। हमारी कमेटी बीएमसी दौलोडी यानी कि बिरसा मुंडा क्लब दौलोडी की ओर से उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए नजर चलते हैं मैदान की ओर, करते हैं, काफी देर हो गई है, मैच अंतिम चरण की ओर जा रही है। फर्स्ट अप के गोपी गेंद के साथ बहुत ही चतुराई के साथ बाएं छोर से आक्रमण करने के प्रयास, लेकिन नियंत्रण नहीं बना पाए गेंद के साथ और गेंद सीधे गोल लाइन से बाहर चली। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, और इस तरह से आज इस मंच पर इस चुनावट पर अतिथि आने वाले हैं, इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए हम अपने बाल से मंच की ओर इस मैच की ओर आवेदन करते हैं। खिलाड़ी यहाँ पे थोड़ा सा जिस विस्तार की खिलाड़ी ने थोड़ा सा गति दिखाया है, हालांकि अभी अभी एक मौका मिला था तो कहीं ना कहीं अभी तक मौका का लाभ नहीं। फिलहाल इस मैच हमारी पोटका के लिए मौका बना है और कहीं ना कहीं और गोपी बहुत ही चतुराई के साथ और और यहाँ पर गेंद को सीधे डालने का प्रयास किया था आगे के छोर में नरेश, और चलते हैं परिवार गेंद के साथ नंदलाल गेंद के साथ गोपी के लिए गेंद को सौंपे। मिल बांट कर खेलना ही एक समूह की बात होती है, जब एक अच्छे संगठन आप बनाते हैं तो निश्चित सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर और गेंद को संपर्क में नहीं रख पाए और अपने अपा को बैठेंगे साथ। इसके बाद फिर मुकाबला नरेश मुस्कान इलेवन के साथ जो टीम है रश्मि स्पोर्टिंग, इसके बाद खेलना है। तो मैं चाहूंगा बिना अब देर किए हुए मंच के करीब चले आएंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपके पास समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है, तो इसीलिए आप दोनों टीमों से यही विनती रहेगा कि आप समय के साथ साथ अपना टीम को हमारे सीमा रेखा करेंगे जो भी टीम और एक मौका बनेगा पोटका के लिए। 11 नंबर के जैसे बार कहीं ना कहीं यहाँ पे 11 नंबर जोश होवत के साथ
बीएफसी शॉट का छोटू अपने शॉट को रिलीज किए थे, निकाले थे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कीपर को चकमा दे नहीं पाया और पूरी मस्तूती के बाद बोल की देखते देखते खेल हमारे जो विज्ञापन में लिखा गया था मुर्गापना में मुर्गा प्रेमी के लिए विशेष सूचना है कि मुर्गा पुरस्कार यानी कि डिग्लेयर कुल जो मुर्गा बांधे जाएंगे उसमें 500 रुपया राशि कमेटी की ओर से दिया जाएगा। और यहाँ पर गेंद का कारण वीरेन यहाँ पर देखा जाए शायद वीरेन फर्स्ट ओवर के मैच में नहीं नजर आए थे मेरे ख्याल से नरेश फर्स्ट हाफ के मैच में यानी कि 10:30 मिनट के पहले की बात कर रहे हैं। और पुनः एक बार गेंद के साथ एक दोनों टीमों के बीच संघर्ष काफी सुंदर चल रही है। संघर्ष तो आपको करने हैं, बिना संघर्ष के आप मूव ऑन नहीं सकते हैं क्योंकि आपको जीतना है तो आपको संघर्ष करना है। और यहाँ पर विकल्प की तलाश अवश्य करेंगे और बहुत ही सुंदर गति के साथ थोड़ी सी अगर दिशा आती नहीं और उनके अंतिम बेला पर जोरदार थोड़ा सा उस गति को ज्यादा निहारने की कोशिश कर रही है दोनों टीमों के बीच और कहीं ना कहीं इस बीच सेकंड हाफ में पहला कॉर्नर किक आता हुआ और डिफेंडर दामों के द्वारा गेंद को रोकने में सफल सीमा रेखा से बाहर गेंद जाता हुआ पॉट का गेंद के साथ अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और ये दामों इनके प्रयास से कृष्णा गेंद के साथ अपने साथी खिलाड़ी गोपी के लिए गोपी के पुनः एक बार नंदलाल के लिए मेन डिफेंडर नंदलाल ये स्टार का और कहीं ना कहीं अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की तलाश ढूंढने में सफल शॉट पास अच्छा फुटबॉल मैदान के बीचों बीच बंटवारा हो रही है एक अच्छी तालमेल बनाने के प्रयास से एक बार कृष्णा के पक्ष में गेंद कृष्णा गणेश के लिए उचित समझा और ये गणेश वीरेन के लिए वीरेन अपने साथी खिलाड़ी की मोहना करते हुए अच्छी पास गोपी के लिए मौका भाई गोपी मौका का लाभ ले पाएंगे नहीं और ये I've been fucking awesome, poppin' feelings, man, I feel it's like a rockstar. All my brothers got that gas and they always be smoking. हाँ ना करते करते अंत था। जब सेकंड हाफ में गोल होते हैं नरेश तो कहीं ना कहीं एक विवर्स की टीम पर एक दबाव बन जाती है क्योंकि समय बहुत कम शेष बचे होते हैं और वनडे टूर्नामेंट्स में देखे जाते हैं कि शेष समय में स्कोर करना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाती है क्योंकि इस यहाँ पर खेल के साथ साथ प्राइज का भी मुकाम हासिल करना है। अगर अगला टीम अगर चाहेगा कि दूसरी टीम को दबाव बना कर रखते हैं तो वो कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी उसको एक प्राइज हाथ लगेगा और कहीं ना कहीं पुनः पर गोपी गेंद के साथ वीरेन के लिए 1-1 खेला है डी बॉक्स के अंदर वीरेन अच्छा होल्ड किया है अच्छा कट में हालांकि गोपी को पुनः बार ढूंढना चाहा ढूंढने में नाकाम रहे इस प्रकार फटका गेंद के साथ लेफ्ट फुट से बिल्कुल लेकिन पिरवा स्ट्रीट स्थान पर थे और यहाँ पर तेज गति के साथ बराबरी की स्थिति में लाना है तो भाई आपको तेज करने ही अपनी खेल को साथ ही देखने कोई जनति नहीं यद पीछे की बात चलने का प्रयास किया और इसी बीच छोटे छोटे कदमों के साथ विपक्ष की गुलाई की तरफ ले जाने में सफल हो पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पर मिल बांट के खेलना है जगह की तय करते हुए यहाँ पर गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को सौंपा है क्या कर पाते अपने साथी खिलाड़ी और यहाँ पर एक जमीनी शॉट लगाने का प्रयास किया गेंद को लेकिन कहीं ना कहीं अतुल्य रह गई और गेंद सीधे एक बार ब्रेक गेंद के साथ जश्न बचार पर और सबके साथ ही खिलाड़ी को मुआयना करते हुए जगह की तलाश उचित स्थान पर मिल जाती है और यहाँ पर पुनः एक बार जी स्टार गोपी क्या करें क्या ना आगे ले जाए कल प्रयास करेंगे और मौका बनेगा विरेन के लिए बहुत ही सुंदर और थोड़ी सी चुप हो गई लेकिन फिर भी गेंद अपने पक्ष में था। हालांकि विरेन ने ऑप्शन के तौर पर गोपी को ढूंढा हालांकि गोपी ने भी अच्छा शॉट किया और कहीं ना कहीं यहाँ पे उस शॉट में थोड़ा सा किस्मत नहीं था उनका नतीजा सीधे जाके बार में टकराई और बार में जैसे ही टकराई गेंद सीधे इस अंदर की ओर आता और कहीं ना कहीं जोरदार सा आगाज हुआ है आपसी करने के लिए यहाँ पे शॉट का बहुत ही घातक शॉट था और कहीं ना कहीं उस घातक शॉट को विफल करने में यहाँ पे
जिस स्टार के गोलकीपर जितना मेहनत की और मेहनत में सफलता उसको हाथ लगी है, किस प्रकार से गेंद को रोके तनिक बार जिस स्टार दामू के लिए सात नंबर की जैसे दामू गोपल तनिक बार मौका बनेगा। हार का ही स्किल है और स्किल के साथ साथ गोपी ने ज्यादा चतुराई दिखाने का प्रयास हुई, इस बीच से डिफेंडर काफी दबाव दिया, उनका नतीजा फुटका गेंद के साथ आग की बढ़ने की क्रम में कहने की गेंद एक छोर से दूसरे छोर में जाने में कतई समय नहीं लग रहा है, यानी इससे पता चल रहा है कि दोनों टीमों के बीच किस तरह से मुकाबला चल रही है। और गेंद के साथ यहां पर पीछे के छोर में गेंद को दिए गए हैं कि ताकि कुछ रणनीति बन सकते और आपको इसी रणनीति के आगाज करने के लिए ताकि आपकी टीम को बराबरी की स्थिति ला सकते हैं। और इसको मौका बनेगा फिर एक बार हिरन के लिए देखा जाएगा, फिर अपने साथी खिलाड़ी के लिए दामों के लिए प्रो ढूंढना यानी बोल पास देना चाहते थे, बांटना चाहते थे, तब तक कोई फायदा नहीं हुआ।